मीजल्स रूबेला का टीका लगने के बाद छात्रा के बोलने की शक्ति पर पड़ा फर्क। स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन दिनों खसरा एवं रूबेला की बीमारी से बचाने टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ स्कूलों में भी टिप्स भेजी जा रही है। ग्राम शेरपार निवासी रामप्रसाद सोनवानी की बेटी, जिसे 16 जनवरी को स्कूल में मिजल्स रूबेला का टीका लगाया गया था, जिसके चलते उसकी बोलने की शक्ति पर प्रभाव पड़ा है और वह ठीक से बोल नहीं पा रही है। बच्चे के पिता का कहना है कि उसकी बच्ची ग्राम आम गांव के स्कूल में कक्षा 8वीं में पढ़ती है, जहां परसों उसे टीका लगाया गया था, जिसके बाद उसने बोलना बंद कर दिया और लिखकर बातों का जवाब देती है, जिसे पहले 108 के माध्यम से बेहर अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। वहीं बच्ची का उपचार कर रहे डॉक्टर अजय जैन का कहना है कि टीका लगाने के बाद बच्ची घबरा गई है, उसके बाकी अंग सही काम कर रहे हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। विश भगत की रिपोर्ट, बालाघाट, आज की आवाज़। सर, एक ये शेरपार का केस आया, टीका लगने का बच्ची की आवाज़ जाने का मामला आया, क्या है? देखिए, ये जो बच्ची है, 14-15 साल की बच्ची है और इसको टीका लगाया गया है टीम के द्वारा। ये बच्ची के पूरे पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक हैं, वो चल रही है, फिर रही है ना, उसे कहीं कोई तकलीफ नहीं है, हमारी बातों को समझ भी रही है और हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब देने का प्रयास भी कर रही है। एक दो शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं और कुछ वो पूरे शब्द नहीं बोल पा रही है, संभवतः वो घबरा गई है बच्ची, और हम विशेषज्ञों की देखरेख में उसकी जांच कर रहे हैं और सारे इन्वेस्टिगेशन करके देखेंगे। ऐसा मुझे लगता है कि कोई गंभीर प्रकृति का मामला नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। सर, ये बच्चों के परिजन का कहना है कि टीका लगने के बाद ये स्थिति उत्पन्न हुई, ये एक हम ये कह सकते हैं कि ये कोइंसिडेंस है ना, क्योंकि टीके से बुखार आने की बात या उल्टी होने की बात या चक्कर थोड़ी देर के लिए आने की बात तो समझ में आती है, लेकिन टीके से इस प्रकार की कोई चीज़ होना और बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हैं तो ऐसी कोई संभावनाएं नज़र नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी इसका हम और का परीक्षण करेंगे, विशेषज्ञों को दिखाएंगे, जानकारी लेंगे और उस जब तक हम इसको उसको अस्पताल में रखेंगे। क्या नाम है आपका? रामप्रसाद सोनवानी। क्या हुआ आपकी बच्ची को? मेरी बच्ची को टीका लगाया था परसों के दिन और कल 2 बजे वो अचानक स्कूल में चक्कर आ गया उसको, तो सर लोगों ने ही बैहर हॉस्पिटल में 108 को बुला करके भर्ती कर दी। मैं कहीं गया हुआ था काम में, फिर मेरे को बाद में पता चला, फिर मैं सीधा बैहर अस्पताल गया काम से, घर भी नहीं गया, और जा कर के देखा तो बच्ची वैसी थी, बादल लगा हुआ था, फिर 2-3-5 बजे तक रखे वहाँ हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर मैं बैया अस्पताल वालों ने बालाघाट रिफर कर दिए, फिर हम यहाँ 8 बजे आए बालाघाट, फिर यहाँ एडमिट कर दिए। अच्छा, क्या परेशानी आ रही बच्ची को? बच्ची को सर बोलने में तकलीफ है, बाकी इधर हाथ पैर सब सही है। तो डॉक्टरों से बात नहीं पा रही? डॉक्टरों से बातचीत की आपने? डॉक्टर से तो बातचीत किया सर मैं। तो क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं वो तक कुछ नहीं बोले, ठीक हो जाएगी कहते हैं। अच्छा, ये क्या स्कूल में लगाया गया था टीका या? स्कूल में लगाया गया था सर टीका। सर, आपको ये कैसे पता चला कि टीका लगाने के बाद ही ये परेशानी है? डॉक्टर ने ऐसा कुछ कहा क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं बोला था। फिर भी कैसे लगा? पर वो टीका लगने के जस्ट बाद ही ऐसा हुआ, तो मेरे अनुमान से ऐसा लगता है टीका करना। तो क्या बच्ची ने बताई थी क्या मुझे प्रॉब्लम आ रही टीका लगने के बाद? वो लिख लिख के